कुछ दिन से सोशल मीडिया पे एक अजीब सा एक मामला चल रहा था। लोग हमें कह रहे थे जी बराबरी पार्टी डीलिस्ट हो गई है, बराबरी पार्टी जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती, आपको इलेक्शन कमीशन ने निकाल दिया है, जैसे पीटीआई को निकाला है, अभी उनको बल्ले का निशान नहीं दिया तो आपको भी नहीं दिया आपका कलम का निशान जो है। मैं पहले तो सोचता रहा कि इस पर क्या बात करूँ, क्योंकि इतना झूठा प्रोपेगेंडा है, हर वक्त कोई ना कोई अफवाह उड़ाते रहते हैं स्पेशली पीटीआई वाले, और उसके बाद और भी लोग जो हैं मुख्तलिफ किस्म के। फिर जर्नलिस्ट ने इसको ट्वीट करना शुरू कर दिया जब, और जब कोई सियासतदान ने भी इस पर बात शुरू कर दी, सियासतदान और जर्नलिस्ट जब ये बात शुरू कर दें तो थोड़ा सा सीरियस मामला हो जाता है। अब मेरी टीम भी कह रही थी, पार्टी भी कह रही थी, सब कह रहे थे कि जी आपका बनता है आपके, आप आएँ और इसको क्लैरिफाई करेंगे, क्या आपकी पार्टी बराबरी पार्टी, बराबरी पार्टी पाकिस्तान ये डीलिस्ट तो नहीं हुई, या ये मौजूद है इलेक्शन में, इलेक्शन लड़ रही है कि नहीं लड़ रही, इसको निशान मिला है कलम का या नहीं मिला। तो मैं आपको बता दूं कि जो जो लोग इस बात पे खुश हो रहे थे कि हमारी पार्टी तो डीलिस्ट हो गई है, हमारी पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रही, कलम का निशान हमें मिला नहीं, या हम तो जी लोग ही नहीं उतार रहे इलेक्शन में, तो वो सारे जो हैं उनको मायूसी होगी। बराबरी पार्टी पाकिस्तान इज़ वेरी मच इन द इलेक्शंस, हम जा रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से, हम अपने लोग भी खड़े कर रहे हैं, बहुत से लोग कंटेस्ट कर रहे हैं हमारे इस वक्त, और हमें बहुत जगह से बड़ा ही अच्छा वोट मिलने की भी उम्मीद है और हमें जीतने की भी उम्मीद है। तो ये बातें जो हैं ये बंद होनी चाहिए। अब आम लोगों की पार्टी है हमारी बराबरी पार्टी, आम लोगों की पार्टी है, इसका मतलब ये है कि चाहे वो आम लोग अभी तक समझ रहे हैं इस बात को या नहीं कि ये पार्टी उनकी पार्टी है और ये बाकी पार्टियाँ उनकी पार्टियाँ नहीं हैं, ऑफकोर्स हमें उनको समझाना ही पड़ेगा, लेकिन बहरहाल ये है उन्हीं की पार्टी, ये उन्हीं की पार्टी है आम लोगों की, जिनमें से हम लोग लेके आम लोगों को हम इलेक्शन भी लड़वा रहे हैं, पार्टी भी बनवा रहे हैं। तो बराबरी पार्टी इतनी आसानी से जाने वाली नहीं है, हम लोग कंपटीशन में मौजूद हैं, हम लोग कंटेस्ट कर रहे हैं, हम इस वक्त इलेक्शन के अंदर जितने भी अमीर सरमायादार जागीरदार माफियाज़ हैं, जो सियासतदान माफियाज़ हैं सारे इस तरह के, हम उनके ख़िलाफ़ खड़े हैं, हम उनके मुखालिफ हैं, सियासी मुखालिफ हैं, तो वो भी तैयार हो जाएं और कौम भी तैयार हो जाए। बराबरी पार्टी इस दफ़ा भी इलेक्शन में जा रही है और आइंदा भी जाती रहेगी।